हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमें इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली तो नहीं कह सकता, बाकी सेफेस्ट कार कह सकता हूँ, टाटा पंच कार। बहुत ज्यादा अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है। इसके सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनसे सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद आई। मैंने काफी कार्स चलाई थी, मैंने बलेनो भी चलाई, स्विफ्ट भी चलाई और भी मैंने दो तीन गाड़ियाँ चलाई, बट मुझे उन गाड़ियों से ज़्यादा ना इस गाड़ी में मज़ा आया। एक तो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, आपको कहीं भी सोचना नहीं पड़ता, आप कहीं से भी निकाल दो, छोटे मोटे बड़े किसी भी गड्ढे में से निकाल दो, ये बहुत आराम से निकल जाती है। आपको देखना नहीं पड़ता कि यार मेरी गाड़ी लग जाएगी नीचे, तो ऐसा नहीं है। दूसरा इसकी एवरेज, भाई मैंने जब ये गाड़ी ली थी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी एवरेज मिलेगी। अभी ये मुझे हाईवे पे 25 का एवरेज दे रही है और सिटी के अंदर ये 15 से 16 की एवरेज मुझे दे रही है। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट मैं अभी आपको मीटर भी दिखा दूंगा। तो एवरेज भी अच्छी है, सेफेस्ट कार भी है, वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि इस जितना टाटा दे रहा उतना तो इस रेट में कोई भी नहीं दे रहा। मुझे ये कार पड़ी ऑन रोड 7.5 की, 7,50,000 की मुझे ऑन रोड पड़ी। तो और टाटा के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा ही रहा, मतलब जो लोगों से मैंने सुना था कि यार टाटा में ऐसा होता है वैसा होता, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया है। मैंने इनका सर्विस सेंटर भी विजिट किया क्योंकि मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी मिली थी कि मेरे जो डोर्स थे वो वाइट होना चालू हो गए थे। अब यार नई कार के अंदर अगर ऐसा कोई भी इशू आता तो सीरियसली आपकी भी फटके चार हो जाएगी, तो वही सब मेरे साथ में भी हुआ। मैं देखा और मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि यार अभी ये गेट्स वगैरह वाइट क्यों होने लग गए, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है वो हाँ बाकी कार्स के मुकाबले थोड़ा सा लो है, बट यार इतना भी नहीं होना चाहिए ना कि वाइट ही हो जाए, अभी तो ज़्यादा महीना भी नहीं हुआ। तो मैंने अपने सेल्स पर्सन को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा इशू मुझे देखने को मिल रहा है मेरी कार के अंदर। तो यार उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को सीरियसली लिया और मुझे हाथों हाथ उन्होंने बोला कि मैं अभी आपको 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, और सीरियसली उनका 5 मिनट में फ़ोन आया। उन्होंने मुझे एक रेफरेंस नंबर दिया सर्विस सेंटर का और मुझे कहा कि आप उनसे जाके मिल लो, आपका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा, मैंने सर्विस सेंटर विजिट किया तो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मतलब जो भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है टाटा को लेके, तो भाई ऐसा तो कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला, और देखने को मिलता तो मैं आपको ज़रूर बताता, बट सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें काफ़ी बोल भी दिया था जाने के बाद कि यार नई गाड़ी है, ये है वो है, मतलब काफ़ी कुछ बोला। उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा ये नहीं किया कि वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाए, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि सर आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो आप जो चाहें आप बोल सकते हैं, बट हम इसका प्रॉब्लम जो भी आपकी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कर देंगे। और उन्होंने सीरियसली वो कर भी दिया, मुझे 15 से 20 मिनट लगे, उन्होंने गाड़ी को अच्छे से वॉश किया, दोबारा पॉलिश किया, और फिर उसके बाद में मुझे ये दिक्कत देखने को नहीं मिली। और ये 10वें 11वें दिन ही मुझे दिक्कत मिल गई थी, और उसके बाद में अभी मुझे ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ठीक है, पुरानी कार में क्या हुआ भाई, उसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं उसको जब वृंदावन से वापस लेके गया घर, और नेक्स्ट डे मैं निकलने की कोशिश कर रहा था कि यार मैं चलो एक शॉर्ट ट्रिप मार कर आता हूँ एक छोटा सा कहीं पे भी आसपास, और आपको एक अच्छे से बता देता हूँ कि उस जो पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था कार के अंदर। तो भाई उसने वही दम तोड़ दिया, आपके साथ पिक शेयर कर दूंगा मैं, उसने वही दम तोड़ दिया गाड़ी ने। मैंने उसे टो करके बुलाया, मतलब किसी को बुलाया मैंने उसे टो करने के लिए, तो फिर उसको टो करके हम लोग लेके गए, तो कैसे ना कैसे उसको 3-4 हज़ार रुपया खर्चा बताया जो मैकेनिक था वहाँ पे उसने। तो मैंने उसे रिपेयर करा लिया कि चल ठीक है यार, कराना तो है ही ना, करा लो। फिर उसके 2 दिन बाद फिर सेम दिक्कत, फिर मैं उस मैकेनिक के पास गया, उसने फिर वही चीज़ कहता कि नहीं भाई अब मैं अच्छी से दिक्कत ठीक कर देता हूँ और अब दिक्कत नहीं करेगी। फिर उसके बाद उसकी CNG में दिक्कत आने लग गई। तो मतलब यार वो कुछ ना कुछ खर्चा मांगे जा रही थी, मतलब मैंने 15-20 हज़ार रुपये ये थोड़ा करके उसमें लगा दिए। तो यार बाद में मुझे भी यही समझ में आया कि भाई ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई, क्योंकि अभी मुझे कहीं से कोई अर्निंग तो आ नहीं रही है, जो मेरा बिजनेस है उससे अब इतनी अर्निंग नहीं आ रही जितना मैं पहले अर्न करता था।
काम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, आप लोगों को सब पता ही होगा, जब से कोरोना आया है सीरियसली सबकी बैंड बजी पड़ी है, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, अब यार देखो, कभी भी आप दिल्ली से बाहर अगर ट्रैवल करने जाते हो, अगर आप किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हो, तो बहुत खर्चा बैठता है, अब वो खर्चा आपको अपनी जेब से ही निकालना पड़ता है, कहीं ना कहीं से आपको अपनी ही सेविंग में से निकाल के आपको वो करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपको कहीं से तो पैसे मिलने वाले हैं नहीं ट्रैवल करने के लिए। वही सब मैंने भी किया, तो अब यार देखो अभी अर्निंग थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए फिर कहीं निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। दूसरा, गाड़ी ने दिक्कत करना चालू कर दी थी। अब मैंने कहा लॉन्ग ट्रिप पे अगर इसे मैं लेके जाऊँ और इसने अगर रास्ते में कहीं मुझे धोखा दे दिया, तो यार मैं तो कहीं का भी नहीं रहूँगा। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि यार जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक मैं इस कार को लेकर कहीं नहीं जाऊँगा। फिर यार काफ़ी टाइम देखने के बाद कि यार इसमें तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जा रही है, मैंने उसे सेल आउट किया और मैं नई कार के लिए ट्राई करने लगा। तो मैंने वैसे टियागो देखी थी, ऑल्ट्रोस देखी, बट यार इसके रेट्स नहीं आए थे तब तक। गाड़ी की तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद थी जब से ये लॉन्च हुई थी, तो मैंने देखा था इसको, तो यार काफ़ी अच्छी लगी। फिर इसकी रेटिंग आ गई 5 स्टार की, तो यार और ज़्यादा मन करा कि यार भाई गाड़ी तो बहुत बढ़िया है और रेटिंग भी अच्छी आई है। तो फिर शोरूम में गए, विजिट किया, ऑल्ट्रोस बुक कराई, इसके रेट्स नहीं आए थे और ऑल्ट्रोस बुक करा दी। अब ऑल्ट्रोस बुक कराने के बाद जैसे इसके रेट्स आए, 20 तारीख को इसके रेट आए थे, तो मेरी सेल्स पर्सन से बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई पंच के भी ना रेट आ गए। उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार अल्ट्रोस लेने से अच्छा मैं यही ना ले लूँ, एटलीस्ट कम से कम ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है और एक SUV जो लुक है, जो SUV की फील इसमें आती है, वो मुझे उसमें नहीं मिलेगी। मुझे उसमें सोचना पड़ेगा कहीं भी ले जाने से पहले, और मैं जिस हिसाब से ट्रैवल करता हूँ कि मैं पहाड़ों एरिया में कहीं पर भी चला जाता हूँ, तो यार उसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है, इससे मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार भाई इसको कर दो यार, आप अगर कर सकते हो तो। तो बंदा ठीक था, उसने कुछ तिकड़म बिठाया और उसने मुझे ये गाड़ी करा दी। अभी इस गाड़ी की वेटिंग है 7 से 8 महीने और मुझे ये गाड़ी मिल गई थी 27 को, मतलब 7 दिन में उसने मुझे गाड़ी की डिलीवरी दे दी। अब वो थोड़े तिकड़म बिठाए बट मिल गई मुझे डिलीवरी। तो अभी जो मेरे पास गाड़ी है वो है टाटा पंच का एडवेंचर मॉडल। मैंने इस पर थोड़ा सा खर्चा कर दिया या अब ये टॉप मॉडल ही हो गया है। बाहर की जो वॉक अराउंड वीडियो है वो बहुत जल्दी मैं आपको, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। अभी मानेसर गया था मैं किसी काम से, तो सोचा यार जाते जाते चलो एक छोटा सा व्लॉग ही कर लूँ। काफ़ी टाइम से आप लोगों से बात भी नहीं हुई थी, तो सोचा आज आप लोगों से बात कर लेता हूँ, कुछ जो भी दिक्कतें थी सब आपसे शेयर कर लूँगा। क्योंकि यार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार बंदा आया, पहले तो वीडियोज़ बनाई फिर उसके बाद गायब, तो भाई गायब नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, क्योंकि यार अभी काम है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। अब ठीक है, बाकी अब यार ये तो सबके साथ चलता रहेगा, और अभी आपको पता है एक नया स्ट्रेन आ गया है कोरोना का, तो यार मुझे लग रहा है दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए। देखो लॉकडाउन तो ना हो, एटलीस्ट हाँ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो जाए, और भाई आप लोग थोड़ा सा सेफ रहना चालू कर दो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र यूज़ करो और भीड़ भाड़ इलाके में कम जाओ, क्योंकि थोड़ा सा जितना भी आप लोग करोगे ना थोड़ा थोड़ा करके, हम लॉकडाउन से बच जाएंगे यार, बाकी किसी चीज़ से बचे या ना बचे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा उस चीज़ के लिए देखिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो अब आएगी बहुत जल्द, और उसमें मैं किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाने वाला हूँ। अभी पहले मैं इस पर थोड़ा सा हाथ और अच्छे से सेट कर लेता हूँ, क्योंकि यार मैं एक ऑल्टो से पंच पे शिफ्ट हुआ हूँ। अब यार नीची गाड़ी से उसमें ऐसा लगता था कि हम ज़मीन में बैठे हुए हैं, अब ज़मीन से एकदम से अगर आप ऊपर बैठ जाओगे तो आपको थोड़ा सा तो दिक्कत होगी। तो हाँ, एक चीज़ और थी, जब मैं शोरूम में गया ऑल्टो से निकल के मैं पंच में बैठा, तो मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि मैं 12:30 गज के प्लॉट में से 100 गज के प्लॉट में चला गया। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो ये गाड़ी चला ही नहीं पाऊँगा, तो बहुत बड़ी गाड़ी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगी। अब मेरी तरह शायद ऑल्टो से या एयर ट्रेंडर से किसी भी उस टाइप की गाड़ी से निकल के अगर आप ऐसी गाड़ी में बैठोगे तो आपको सीरियसली वो फील आएगी, तो कुछ इसमें गलत बात नहीं है, वो मेरे साथ आई भी। और मैं जब से शोरूम से मैंने ये गाड़ी ली तो मैं इसे चला कर भी लेके नहीं गया घर, मैंने किसी को बोला कि भाई आप छोड़ दो, क्योंकि घर चली जाएगी फिर उसके बाद में, तो मैं धीरे 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 करके इस पर हाथ सेट कर लूँगा। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, अब फिर भी थोड़ा सा हाथ अच्छे से सेट हो चुका है, अब तो मैं इसे समझ चुका हूँ अच्छे से, ये मुझे समझ चुकी है, अब मैं इसे कहीं भी लंबे रूट पे ले जाने के लिए रेडी हूँ। तो
देखते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना यार, कमेंट में अपनी राय दे दिया करो बॉस, कुछ नहीं लगता कौन से आपके पैसे लग रहे हैं तो दे दिया करो भाई। अगर आप दोगे मुझे पता लगेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा तो आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।